हेलो, नमस्ते जी। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग ना शाम के 5 बजे से शुरू हो रहा है, और आज मेरी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए आप देख सकते हैं मेरी आंखें भी कैसी हो रही हैं। सुबह से लेटी पड़ी हूँ, पूरी बॉडी में ना पेन सा हो रहा है, शायद वायरल या कुछ, समझ नहीं आ रहा। और आज सुबह से ही, मतलब जब से सुबह उठी हूँ ना, मतलब ऐसी ही है तबीयत, डाउन डाउन सी। तो आज बस मन भी नहीं लग रहा, तो आज कुछ नहीं किया वीडियो के रूप में, कि वीडियो के लिए कुछ काम करना है, कुछ बनाना है, आज कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही पड़ी हूँ। अब थोड़ा सा उठी थी तो मैं चलो थोड़ा ऊपर चलती हूँ, देखती हूँ थोड़ा कुछ। और आज पूजा भी पायल ने की है सुबह, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और उसका एग्जाम भी था आज। तो वो पूजा करके, नाश्ता तो मैंने बना दिया था जैसे तैसे करके, वो निकल गई थी और 2:30 बजे आई है वो। उसके बाद ही चाय वाय पी है सब। और देखो आज फूल भी नहीं लेके गई वो, क्योंकि सुबह मैंने तो जल्दी किया नहीं। तो देखो फूल, देखो कितने सुंदर खिल रहे हैं, चंपा के हैं ये, इधर भी खिले हुए हैं दो, देखो। ये सदाबहार पे और चमेले पे खिल रहे हैं, सदाबहार पे इधर भी हैं फूल, देखो। अब पौधों पे ना बहार सी आ रही है, देखो ये कितना सुंदर पेड़ हो रहा है। गुड़हल पे भी आज तो बहुत सारे फूल खिल रहे हैं, दिखाती हूँ मैं आपको, देखो 1 2 3 4 5 6, और कनेर पे भी ऐसे ही खिले हुए हैं, देखो बहुत सारे खिल रहे हैं कनेर पे भी। लेकिन आज तोड़े नहीं ना, तो आज ऐसे लगे हुए। और आज बंदर भी नहीं आए हैं, तो इसलिए, वरना बंदर ना फूल तोड़ के और इनको पीछे से खा लेते हैं, थोड़ा मीठा लगता है ना फूल का डंडी। और मैं कई दिन से सोच रही हूँ इस वाले गमले को थोड़ा ठीक करने का। ये उस दिन ऊपर से गिर गया था ना गमला, तो इसकी एक तो पत्ती ये टूट गई थी, एक पत्ती और टूट गई थी, वो तो मैंने उधर गमले में लगा दी है। लेकिन ये ना इसके लिए छोटा पड़ रहा है गमला, इसकी जड़ वो हो रही है, इसमें बाहर निकल रही हैं, देखो ये इस तरह इसकी जड़ें बाहर आ रही हैं। तो मैं इसका गमला चेंज करने की सोच रही हूँ, लेकिन आज तबीयत इतनी ख़राब हो गई है कि आज तो कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए पत्ती बिल्कुल ही लटकी हुई पड़ी है इसकी। देखो अपराजिता का पौधा उग रहा है इसमें एक, देखो ये अपराजिता का फूल दिख रहा है आपको, कितना प्यारा लगता है अपराजिता का फूल, बहुत सुंदर पर्पल कलर का। और इस वाले चंपा पे भी फूल आ रहे हैं, देखो तैयारी हो रही है, कल या परसों में खिल जाएंगे ये भी, कल खिल सकते हैं। और ये उसी पौधे की टहनी टूट गई थी, मैंने यहाँ गाड़ दी थी, देखो ये भी हो गई है। इतना अच्छा है ये पौधा, इसकी इतनी सी भी टहनी टूट जाए और आप उसको कहीं भी हल्का सा गड्ढा करके लगा दो, ये 10 दिन में जड़ पकड़ लेता है, बहुत अच्छे से ग्रो होता है। सबसे इजी ग्रो करना है इस वाले पौधे को, देखो ये कितना भर के आ रहा है ना, देखो अलग ही, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे ये वाला भी। और मैं ऊपर इसीलिए आई हूँ थोड़ी देर, ताकि मैं इन्हें देख सकूँ, अंदर से थोड़ा अच्छा महसूस हो, क्योंकि ना नीचे बेड पे पड़े पड़े इतनी ज़्यादा बोर हो गई हूँ, और जब लेटने की आदत नहीं होती ज़्यादा, तो ज़्यादा देर लेटा भी नहीं जाता, बहुत मुश्किल हो जाती है। रबड़ प्लांट देख सकते हैं कितना प्यारा चल रहा है, पौधे तो सारे ही अच्छे चल रहे हैं। और एक दिन आपको मैं एक एक करके, कि मेरे पास कौन कौन से प्लांट हैं, कैसे कैसे हैं, इस पर भी मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। आज तो बस मेरे पास कुछ था नहीं करने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से ऐसे ही थोड़ी सी बातें कर लूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ दिखा तो रही नहीं, बस ऐसे ही बकवास कर रही हूँ,
तो चलो आज आप मेरी बकवास ही सुन लो। आज मेरे पास है नहीं कुछ और वीडियो दिखाने के लिए, क्योंकि ना आज मैं समझ सकते हैं आप तबीयत ठीक नहीं है, आँख देख सकते हैं कैसी हो रही है ना, स्वेलिंग सी आ रही है। बस आना तो नहीं चाह रही थी वीडियो में, लेकिन ना थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा और इस बार ने ऊपर भी आ गई हूँ थोड़ा छत पे, तो बस इसीलिए आई थी। ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी वीडियो को। चलो ठीक है जी, मिलते हैं, देखते रहिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।